सर्दियों में शरीर में सूजन आ जाती है, हाथ पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है। इसको अक्सर लोग वेट गेन समझ लेते हैं, पर यह वजन बढ़ना नहीं है, यह है ब्लोटिंग, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा आम है। आज के एपिसोड में जानते हैं ऐसा क्यों होता है और इसका आसान इलाज क्या है। इस प्रकार की समस्या जो होती है वो बहुत अधिक सर्दी पड़ने पर या ठंडे पानी में लगातार काम करने की वजह से हो सकती है, क्योंकि हमारी उंगलियों में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो काफ़ी पतले साइज़ की होती हैं और इनमें ब्लड का प्रवाह अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो सूजन आ सकती है, और सर्दियों में ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाती हैं, तो इस वजह से इनमें ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ सूजन आने के चांसेस रहते हैं। इनमें तेज दर्द और खुजली भी हो सकती है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लाइफस्टाइल में चेंजेस कैसे किए जाएं। सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाकर आप ब्लड का प्रवाह सही कर सकते हैं और इस समस्या से आप बच सकते हैं। ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो आपकी एक्सट्रीमिटीज तक भी ब्लड जाएगा और सूजन की समस्या कम हो जाएगी। दूसरे, आप हाइड्रेशन का ध्यान रख सकते हैं। सर्दियों में लोग बहुत कम पानी पीते हैं जिसकी वजह से ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और वो पतली रक्त वाहिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, जिससे सूजन की समस्या पैदा होती है। तीसरे, आप डायूरेटिक्स का कम इस्तेमाल करें, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, जिससे यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है और उंगलियों तक ब्लड जो है पतली कैपिलरियों में नहीं पहुँच पाता, जिस वजह से भी ये समस्या पैदा होती है। अब कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं जिनसे अगर ये समस्या हो गई है तो किस तरह से इससे छुटकारा पाया जाए। हल्दी एक अच्छा इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक स्पाइस है जो आपके घरों में पाया जाता है। हल्दी को पानी में मिलाकर इसका लेप बना लीजिए और अपने सूजन वाली जगह पर लगाकर धूप में थोड़ी देर बैठ जाइए। धूप में बैठने से आपका रक्त का प्रवाह भी अच्छा होगा और हल्दी से इन्फ्लामेशन भी थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी जो रेमेडी है वो सरसों का तेल गर्म कर लीजिए, उसमें थोड़ा हल्दी या नमक मिला लीजिए और उसको सूजन वाली जगह पर लगाकर धूप में बैठ सकते हैं। तीसरे, आप अपने जब भी बाहर निकलें तो अपने गर्म मोजे और गर्म ग्लव्स पहनकर ही बाहर निकलें, ठंड के कांटेक्ट में ज़्यादा ना आए। चौथे, आप गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर उंगलियों की सिकाई कर सकते हैं और उनको सिकाई करने के बाद तुरंत ठंडे वेदर में एक्सप्लोर ना करें, उनको थोड़ी देर गर्म कपड़े में लपेट कर रखें। जब वो नॉर्मल हो जाए तो मोजे पहन लें। कुछ गर्म तासीर की चीज़ें भी आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, जैसे गुड़, तिल, बादाम, देसी घी, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, विटामिन डी, विटामिन ए और कैल्शियम की कमी भी पूरी होती रहेगी सर्दी में, और इनका थर्मिक इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा होता है जिससे आपकी शरीर गर्म बना रहता है। सर्दियों में आई सूजन से निपटना आसान है, ये टिप्स ट्राई करिए, आपको असर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जाने आपके शरीर के लिए विटामिन डी इतना जरूरी क्यों है। विटामिन डी आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। आज बात करते हैं इसकी कमी से आपके शरीर में क्या क्या होता है। विटामिन डी एक विटामिन है जो शरीर में बनता है जब हम धूप में जाते हैं या सूरज की रोशनी हमें मिलती है। इसकी कमी होने पर मसल्स वीकनेस, बोन लॉस, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा विटामिन डी का रोल इम्यूनिटी डेवलप करने में भी होता है। बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स या फिर सॉफ्ट बोन्स, मसल वीकनेस और ग्रोथ डिले देखा जाता है। विटामिन डी की कमी शाकाहारी लोगों में ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि उनको विटामिन डी डाइट से नहीं मिल पाता। इसकी भरपाई करने के लिए सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। विटामिन डी सीधा जुड़ा है डिप्रेशन से। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन का चांस ज़्यादा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं या आपको ज़्यादा घबराहट महसूस होती है तो अपना विटामिन डी ज़रूर चेक करवाएं। अगर वो नॉर्मल रेंज से कम है तो सप्लीमेंट्स लें। नॉर्मल रेंज है 20 से 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए मैग्नीशियम आपको किन चीज़ों में मिलता है। मैग्नीशियम मांसपेशियां तंदुरुस्त रखने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, दिल की धड़कन को स्थिर रखता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी संतुलित रखने में मददगार साबित होता है। अब ये किन चीज़ों में मिलता है।
डार्क चॉकलेट, बादाम, काजू, कद्दू के बीज, चिया सीड्स और हलीम के बीज, ये मैग्नीशियम के काफी अच्छे सोर्स हैं। इनके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, उड़द और चने की दाल, मोठ दाल, राजमा, सोयाबीन, गुलाबी मूली और कमल ककड़ी से मैग्नीशियम आपको मिल सकता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर ललन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ियां और गलतियां की हैं, ये BTS माने बिहाइंड द सीन्स में भी आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप मजा। सूचना समाप्त। शुक्रिया।